गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू जी के टुडे आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एट्थ ऑफ ऑगस्ट के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विश यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द उल्लास इनिशिएटिव जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास पहल को शुरू किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में इनाग्रेट किया जन जन साक्षर नाम का एक स्लोगन और लोगो अलोंग विथ अ मोबाइल एप्लीकेशन इस उल्लास इनिशिएटिव के लिए उल्लास बेसिकली नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है इसका एम क्या है जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करना साथ ही लिटरेसी को प्रमोट करना पूरे नेशन में बाइक रेडिंग लर्निंग इको जिसमें कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया जाएगा और क्रिटिकल लाइफ स्किल्स डेवलप करवाई जाएंगी इंडिविजुअल्स में जो कि 15 या फिर उससे ऊपर होंगे और जिन्होंने कभी भी स्कूल को अटेंड नहीं किया ठीक है तो दो बातें यहां से आपसे पूछी जा सकती हैं सबसे पहले उल्लास का फुल फॉर्म क्या है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी और किस मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड है तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कभी कभी उल्लास में क्या पूछ लेते हैं कि इसमें जो पहला वाला एल है ये किस चीज को स्टैंड करता है तो आंसर है लाइफ लॉन्ग ठीक है इसी तरह सेकेंड वाले एल का पूछेंगे तो लर्निंग तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं ठीक है इसके अलावा इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि रिलेटेड है कंपनी लॉ कमेटी के साथ तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स तो कंपनी लॉ कमिटी को इस्टैब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 2019 में और इसके थ्रू जो इम्प्लीमेंटेशन है रेगुलेटरी मेजर्स का स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए उनको एक्सप्लोर किया जाता है और फिलहाल जो कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं इन द कॉरपोरेट गवर्नेंस मैटर्स उनको टैकल करने के लिए ये जो कमिटी है ये आजकल चर्चे में बनी हुई है ठीक है तो बस सिंपली याद रखिएगा कि कंपनी लॉ कमिटी किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स अच्छा इसके अलावा कल हमने पढ़ा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये सेटअप करेंगे एक वर्किंग ग्रुप जिससे कि ये लॉज को डी कर रहे हैं ताकि फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके ओके तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने सेटअप किया है एक वर्किंग ग्रुप या जिसने डिसाइड किया है एक वर्किंग ग्रुप सेटअप करने का जिससे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको हम फर्दर प्रमोट कर सकें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ दिनों पहले यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखा गया था और आपसे सिंपली एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि इसको प्रपोज करने वाले व्यक्ति कौन है तो ये इनिशिएट किया था कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर लोकसभा के अंदर कौन है मिस्टर गौरव गोगोई इनका नाम आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो याद रखिएगा ये है गौरव गोगोई नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक टाइटल्ड एज मेमरीज नेवर डाई वॉज लॉन्च्ड एज अ ट्रिब्यूट टू मेमरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह बुक हाल ही में अनवील की है जिसका नाम है मेमोरीज नेवर डाई और इसके थ्रू हमने ट्रिब्यूट पे किया है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को ठीक है तो ये बुक अनवील की गई ड्यूरिंग अमित शाह की टू डे विजिट जहाँ पर ये रमांतापुरम डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने गए थे तमिलनाडु स्टेट के ठीक है और इस बुक को को ऑथर किया है डॉक्टर ए पी जे एम नसीमा मराईकर ने साइंटिस्ट डॉक्टर वाई एस राजन के साथ मिलकर ओके तो बस ये याद रखिएगा कि मेमरीज नेवर डाई नाम की किताब जो है इसके थ्रू हमने ट्रिब्यूट पे किया है ए पी जे अब्दुल कलाम जी को क्या पर कुछ और बुक्स एंड ऑथर्स की बात अगर हम करें तो फर्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये जो किताब है ये एक वेटरन जर्नलिस्ट जिनका नाम है निर्जा चौधरी इन्होंने लिखी है ठीक है फिर सेकेंड है यहाँ पे कारगिल कारगिल एक यात्री की ज़ुबानी और ये किताब लिखी है ऋषि राज ने ठीक है इसमें बेसिकली हमने ट्रिब्यूट पे किया है उन मार्टर्स को जो कि कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे थर्ड किताब है यहाँ पे इंडिया फिनंस मिनिस्टर्स इस बुक का टाइटल ही है इंडियाज फिनानस मिनिस्टर्स और इस बुक को लिखा है एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है ए के भट्टाचार्य ने और फोर्थ बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नाम है द गोल्डन ईयर्स और ये किताब ऑथर की है रस्किन बॉन्ड ने रस्किन बॉन्ड की जो भी बुक्स हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं तो इसलिए जरूर याद रखिएगा कि गोल्डन ईयर किताब लिखी है रस्किन बॉन्ड ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैडमिंटन प्लेयर हैज द जापान ओपन 2023 सिंगल्स मेंस टाइटल किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब हाल ही में जीता है तो डेनमार्क के विक्टर एग्जिल्सन है जो कि वर्ल्ड नंबर वन है फिलहाल इन्होंने जीत लिया है जापान ओपन 2023 का सिंगल्स मैनस टाइटल और किसको हरा के इन्होंने जीता है तो इन्होंने हराया था जोनातन क्रिस्टी को जो कि इंडोनेशिया कंट्री को बिलोंग करते हैं ठीक है अगर हम वहीं पे वुमेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो इसमें विनर रही वर्ल्ड नंबर टू एन सी यंग ओके ये साउथ कोरिया को बिलोंग करती हैं और इन्होंने हराया था ही पिंग जियाओ को जो कि चाइना कंट्री से हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जापान ओपन किसने जीता मैन सिंगल्स टाइटल में तो इसके विनर हैं विक्टर एग्जेल्सिन कौन सी कंट्री को हैं डेनमार्क को और इन्होंने किसको हरा के जीता तो जुनाथन क्रिस्टी को जुनातन क्रिस्टी इंडोनेशिया को बिलोंग करते हैं वुमेन्स टाइटल में कौन विनर रही एन सी यंग ये साउथ कोरिया से हैं और इन्होंने किसको हरा के जीता तो ही पिंग जियाओ जो कि चाइना कंट्री से हैं ओके तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं चलिए यहाँ पे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार हम देख लेते हैं जिसमें पहला है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप दो और इसके लिए वेन्यू जरूर याद रखिएगा इसके लिए वेन्यू था बर्लिन जर्मनी ठीक है इसमें इंडिया ने ऑब्वियसली गोल्ड मेडल जीता है ओके सेकेंड हम बात करेंगे बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स की और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में जीता है मैक्स वर्स ने फिर हम थर्ड बात करेंगे आई जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की और इसके लिए वेन्यू था साउथ कोरिया और इस चैंपियनशिप में इंडिया की पोजीशन रही सेकंड ठीक है तो ओवरऑल हमने सत्रह मेडल जीते थे जिसमें से छ गोल्ड था छः सिल्वर था और पाँच ब्रॉन्स था इसमें फर्स्ट पोजिशन पर कौन सी कंट्री थी तो ये कंट्री है चाइना तो ओवरऑल चाइना फर्स्ट कंट्री पे थी सेकंड पे इंडिया था और थर्ड पे था यूक्रेन ओके तो ये टॉप थ्री कंट्रीज हो गई इसके अलावा कौन से स्टेट में इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग डमी सेटअप किया जा रहा है तो ये सेटअप हो रहा है मध्य प्रदेश स्टेट में ठीक है है नेक्स्ट क्वेश्चन बेनी बेनी सागर इज इज इन इन द न्यूज रिसेंटली अ प्लेस लोकेटेड इंडियन स्टेट सागर जो हाल ही में खबरों में है कि, कि किस राज्य में स्थित है सबसे पहले बात करेंगे कि बेनी सागर किस वजह से चर्चे में है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ एक्सकर्वेशन किए हैं बेनी सागर में जहां पे हमें लगभग हंड्रेड ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिससे साबित होता है कि इस जगह पे कंटिन्यूस ह्यूमन हैबिटेशन हुआ है ठीक है कब से कब तक फिफ्थ सेंचुरी एडी से लेके सिक्सटीन टू सेवनटीन सेंचुरी ए ओके तो ये जो जगह है ये लाई करती है झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में और बेनी सागर को अब फाइनली एस ने रिकोगनाइज कर लिया है और इसको लिस्ट कर लिया है इन्होंने अपने टॉप हंड्रेड सिग्निफिकेंट आर्क्योलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में इन द कंट्री ओके तो बेनी सागर कौन से स्टेट में लाया करता है तो आंसर है झारखंड चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में बनी हुई हैं उनकी लोकेशन आपसे इसी तरह पूछी जा सकती है जिसमें सबसे पहला है कपिलेश्वर टेम्पल कपिलेश्वर टेम्पल पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चर्चे में था और ये कहाँ लाया करता है ये उड़ीसा स्टेट में है किस वजह से न्यूज में था क्योंकि आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है कि अब ये इस टेम्पल को ऐड कर रहे हैं अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में ठीक है तो कपिलेश्वर टेम्पल इनके प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में आ चुका है इसलिए चर्चे में बना हुआ था सेकेंड टेम्पल है यहां पे तुंगनाथ टेम्पल इसकी लोकेशन आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती है तुंगनाथ टेम्पल लाया करता है उत्तराखंड स्टेट में फिर यहां पे थर्ड जगह है नवेगांव टाइगर रिजर्व और नवेगांव टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र स्टेट में इसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व है जो आजकल चर्चे में है इसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ओके okay? और ये लाया करता है मध्य प्रदेश स्टेट में फिर इसके अलावा फोर्थ है तुम्गरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये लाया करती है महाराष्ट्र स्टेट में ओके okay? तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं जिनकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सपोर्टेड ओवर 1.3 पॉइंट थ्री टन ऑफ पाइन ऐपल्स टू द मिडल ईस्ट किस उत्तर पूर्वी राज्य ने मध्य पूर्व को 1.3 पॉइंट टन से अधिक अनानास का निर्यात हाल ही में किया है तो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है इन्होंने कोलाबरेट किया मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी के साथ और अब इन्होंने मिल के फैसिलिटेट किया है मार्केट लिंकेजेस को जिसमें कि 1.3 टन्स टन ऑफ पाइन को इन्होंने एक्सपोर्ट किया है मिडल ईस्ट को ठीक है और मेघालय से ये पाइन ऐपल्स कहाँ गए थे दुबई के मॉल्स में कुवैत में शारजा के मॉल्स में ठीक है तो डिफरेंट जगह पे मिडल ईस्ट में इनको बेचे गए ले जाकर तो बस याद रखिएगा कि कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने 1.3 पॉइंट थ्री टन ऑफ पाइन से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है मिडल ईस्ट को तो ये स्टेट है मेघालय अच्छा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि पहला स्टेट है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया तो ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीजीआई को रिलीज किया था अब यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जिनको कुछ दिनों पहले ही जीआई टैग मिला है इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है मोरल मशरूम ये मशरूम की एक वैरायटी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है ठीक है जम्मू एंड कश्मीर से एक और प्रोडक्ट है जिसको कुछ दिनों पहले जी टैग मिला है और ये है पसोहली पेंटिंग ठीक है फिर इसके अलावा जो लद्दाख की वुड कार्विंग्स हैं इनको भी जी टैग से नवाजा गया और तीन प्रोडक्ट्स बेसिकली तमिलनाडु स्टेट से हैं जिनको पिछले दो तीन महीनों में ही जीआई टैग दिया गया इसमें पहला है कमबम ग्रेप्स ये एक अंगूर की वैरायटी है फिर सेकंड है मना मदुरई पॉटरी और थर्ड प्रोडक्ट जो है वो आपको कमेंट्स में बताना है तो अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल इसको रिवील कर दूंगी लेकिन ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा सा अपने माइंड पर प्रेशर डालें द यू एस हैज़ अनाउंसड थ्री मिलियन डॉलर्स इन मिलिट्री एड फॉर विच कंट्री संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा करी है तो यूएस ने अनाउंस किया कि वो 345 मिलियन डॉलर्स की हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताइवान कंट्री को और ये अब तक का जो जो, जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पहला मेजर पैकेज है जो कि किसी कंट्री को दिया जा रहा है ठीक है इसमें डिफरेंट तरीके डिफेंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाएगी ताइवान पीपल को और इसके लिए वॉशिंगटन सेंड करेगा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को साथ ही इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस कैपेबिलिटीज इनको दी जाएंगी फायर आर्म्स एंड मिसाइल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये जो है अनाउंस किया है यूएस ऑफिशियल्स ने ठीक है तो फिलहाल यूएस ने डिसाइड किया है कि वो इतने अमाउंट की हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताइवान कंट्री को ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके अपने ऊपर हावी होने से ओके अच्छा इसके अलावा नॉर्वे जर्मनी एंड फिनलैंड में कौन से डिजीज को हाल ही में रिपोर्ट किया गया है यहाँ के फर फार्म्स एंड मैमल्स में बहुत तेजी से फैल रहा है यहाँ पे ये यह। और ये बीमारी कौन सी है एवियन इन्फ्लुएंजा ठीक है तो फिनलैंड के जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने रिपोर्ट किया एच फाइव को दो और फार्म्स में और इसी के साथ यहाँ पे टोटल आ, विक्टिम्स हो गए फोर्टीन ओके फिर सेम हमें नॉर्वे से भी मिला है नॉर्वे में एक रेड फॉक्स पब था जिसमें कि ये वायरस रिपोर्ट किया गया था और जर्मनी में ये वायरस मिला था हमें एक सील से ओके okay? तो यही रीजन है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है इन द मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिंपली याद रखिएगा कि नॉर्वे जर्मनी और फिनलैंड जैसी कंट्रीज में कौन सी डिजीज हाल ही में रिपोर्ट की गई है इनके फर फार्म्स और मैमल्स के अंदर तो यह है एवियन इन्फ्लुएंजा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 विश्व विश्वविद्यालय we खेल 2023 का मेज़बान कौन सा देश है एक्चुअली कंपाउंड मिक्सड आर्चरी टीम जिसमें कि अमन सैनी और प्रगति हैं इन्होंने क्लेंच किया है गोल्ड मेडल और कहाँ पर तो ऐट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जिसके लिए वैन्यू है चाइना कंट्री इसके अलावा इंडिया के जो आर्चर्स हैं उन्होंने दो और मेडल्स जीते हैं आर्चरी में इन द मेन्स एंड वुमेंस कंपाउंड टीम इवेंट्स बाइट तो सिंपली याद रखिएगा कौन सी कंट्री होस्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए तो ये कंट्री है चाइना अच्छा इसके अलावा कौन सी इंडिया की सिटी है जो कि होस्ट है सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने हाल ही में दो और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप्स को ऐड कर लिया है अपने सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन डीएलआई स्कीम में और कौन कौन से हैं ये फर्स्ट इसमें है अहिस्ा डिजिटल इनोवेशन और इसमें सेकेंड है कैलिगो टेक्नोलॉजीज ठीक है और ये अनाउंस किया गया ड्यूरिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2023 ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ गांधीनगर गुजरात में ठीक है इन स्टार्टअप या एमएसएमई को बाद में सपोर्ट किया जाएगा अंडर द स्कीम ओके तो कौन सी इंडिया की सिटी है जो होस्ट है सेमिकॉन इंडिया 2023 की कॉन्फ्रेंस के लिए तो ये है गांधीनगर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड टेक इक्विटी डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म किस देश ने टेक इक्विटी डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म पेश किया है तो ड्यूरिंग द जी ट्वेंटी एम्पावर समिट जो कि हुई गांधीनगर गुजरात में इंडिया ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है टेक इक्विटी को जो कि एक तरह का डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म है जिसका एम है जेंडर डिजिटल गैप को रिड्यूस करना ठीक है और ये वन ऑफ द की आउटकम्स है इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के दौरान बेसिकली वुमेन के लिए फ्री रहने वाला है वुमेन इसको फ्री तरीके से यूज़ कर सकती हैं इसमें डिफरेंट कोर्सेज होंगे डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर साथ ही टेक स्किल डेवलपमेंट और कोर स्किल इन्हांसमेंट के लिए तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको फंड करेगी इंडिया अगले तीन सालों के लिए और इसको मेंटेन कौन करेगा तो फिकी ठीक है फिकी का फुल फॉर्म क्या है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो कौन सी कंट्री ने टेक इक्विटी को इंट्रोड्यूस किया है जो कि एक डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म है ये कंट्री है इंडिया ओके अच्छा यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसके बारे में बात करेंगे इस रिपोर्ट का नाम है स्कॉचिंग डिवाइड हाउ एक्सट्रीम हीट इन फ्लेम्स जेंडर इन एक्वेलिटीज इन द हेल्थ एंड इनकम और ये रिपोर्ट जारी करी है अर्श रॉक फैलर फाउंडेशन ब्रेजिलियन सेंटर ने ठीक है तो इस रिपोर्ट में इन्होंने वॉन्ट किया है कि जो हॉट ईयर्स आ रहे हैं उसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से डेथ हो सकती है लगभग दो लाख चार हजार वुमेन की हर साल इंडिया के अंदर नाइजीरिया और यूएस को कम्बाइंड मिला के कब तक 2050 तक ठीक है तो रिपोर्ट के अंदर क्या है यह आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा बस ये याद रखिएगा कि स्कॉचिंग डिवाइड नाम की रिपोर्ट जारी करी अर्श रॉक्वेलर फाउंडेशन ने नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द रशिया अफ्रीका समिट हेल्ड रिसेंटली हाल ही में रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया तो यह जो है सेकंड रशिया अफ्रीका समिट थी जिसको की कंडक्ट किया गया 27th टू 28th ऑफ जुलाई 2023 को कहाँ पे रशिया कंट्री में ठीक है ओरिजिनली इसको शेड्यूल किया गया था अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स में अदीस अबाबा में लेकिन बाद में इसको फिर रिलोकेट कर दिया गया और समिट के कमेंसमेंट के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन ने प्रॉमिस किया है कि वो फ्री ग्रेन शिपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे छः अफ्रीकन कंट्रीज़ को कौन कौन सी बरकना फाजो जिम्बाब्वे माली सोमालिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एरिट्रिया ठीक है इनको ये प्रोवाइड करेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेके फिफ्टी थाउजेंड टन ऑफ ग्रेन इन द अपकमिंग मंथ ओके सिंपली याद रखिएगा कि रशिया अफ्रीका समिट के लिए वेन्यू इस साल क्या था तो आंसर है रशिया ओके यहाँ पे कुछ और होस्ट की बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्फ्रेंस है इसके लिए होस्ट था लंडन सिटी ओके फिर अगर हम बात करें लेजर नेशनल चैम्पियनशिप की तो इसके लिए होस्ट था सिकंदराबाद फिर जी ट्वेंटी की जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट है इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है और इसके लिए वेन्यू था गोवा स्टेट और जो वाई ट्वेंटी की मीट थी इसके लिए होस्ट कौन सी जगह थी आंसर है कश्मीर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च लेबर बीमा स्कीम कौन सा राज्य श्रमिक बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे एक स्कीम को जिसका नाम है लेबर बीमा और ये होगा ऑन द लाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम जिसका नाम है राइटू बीमा ओके okay? ये एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम है और इसमें जो इंश्योरेंस कवरेज बेनिफिशरीज को दिया जाता है वो वन पॉइंट फाइव लाख रुपीज़ से बढ़ा के थ्री लाख रुपीज़ तक कर दिया जाएगा साथ ही इसमें यह भी प्रपोजल रखा गया है कि अब जो रिन्यूअल पीरियड रहेगा वो एक्सटेंड किया जाएगा फ्रॉम फाइव ईयर्स टू नाउ टेन ईयर्स ओके तो कौन सा स्टेट है जो लेबर बीमा स्कीम को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है तो ये स्टेट है तेलंगाना अच्छा इसके अलावा आजकल एक बर्ड बहुत ज़्यादा चर्चे में है इसका नाम है वेस्टर्न ट्रैगोपन आपको बताना है कि किस इंडियन स्टेट की स्टेट बर्ड है तो वेस्टर्न ट्रैगोपन हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है और हाल ही में ये रिपोर्ट किया गया कि ये जो स्पेशीज़ है फिलहाल हैबिटेट लॉस एक्सपीरियंस कर रही है कंट्री के कुछ हिस्सों में तो स्टेट अथॉरिटीज़ के डेडिकेटेड एफर्ट्स के बाद अब फाइनली इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखा गया है और याद रखिएगा ये इंडेंजर्ड स्पेशीज है ठीक है तो कहां पे इसका इंप्रीमेंट देखा गया हिमाचल प्रदेश स्टेट के सराहन फीजेंट्री में जो कि एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है और इसके बाद अब इसके सर्वाइवल की कुछ होप हमें दिखाई दे रही है तो ये सारा कुछ डिटेल में बताने का पर्पस क्या है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि किस वजह से वो चीज चर्चे में है अदरवाइज सिर्फ इतना ही जानना काफी था कि वेस्टर्न ट्रैगोपन हिमाचल प्रदेश स्टेट की स्टेट बर्ड है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ रेफरेंडम फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हाल ही में किस देश ने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया है तो ये कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये एक बेसिकली लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन्होंने हाल ही में वोटिंग कंडक्ट कराई है इन अ रेफरेंडम अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और किस वजह से क्योंकि कंट्री में बहुत सारे मल्टीपल ग्रूप्स हमें कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं तो 2020 में मिस्टर तो वह डेरा जो हैं इन्होंने सिक्योर किया था सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट कब तक 2025 तक और अगर रेफरेंडम पास हो जाता है तो उसके बाद ये जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं इनको थर्ड टर्म के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा ठीक है तो बस याद रखिएगा कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हाल ही में एक रेफरेंडम पास हुआ है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अच्छा इसके अलावा कौन सी कंट्री वेन्यू है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 के लिए तो याद रखिएगा इसके लिए वेन्यू है कैनेडा ठीक है तो ये एक तरह का कम्युनिटी वाइड स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि कंडक्ट हो रहा है ट्वेंटी ऑफ जुलाई से लेकर सिक्स ऑफ ऑगस्ट तक कहां पे कैनेडा कंट्री में और इंडिया जो है इसमें रिप्रेजेंट हुई है विद द हेल्प ऑफ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जो एथलीट्स हैं सीआरपीएफ के उन्होंने पहले ही दिन में पांच गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीत लिया था ठीक है तो बस ये वेन्यू याद रखिएगा कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए वेन्यू कौन सी जगह है तो ये कंट्री है कैनेडा लास्ट क्वेश्चन है आइल ऑफ रोम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री आइल ऑफ रोम जो खबरों में था ये किस देश में स्थित है सबसे पहले बात करेंगे कि आइल ऑफ रोम किस वजह से चर्चे में है तो नासा जो है ये आइल ऑफ रोम की रॉक्स को स्टडी कर रहा है किस लिए क्योंकि जो इसकी रॉक्स हैं वो मार्स के रॉक्स से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं जियोलॉजिकल मिनरल एंड केमिकल कॉन्टेंट में ठीक है तो यही रीजन है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं आई लोफ रोम की उनको नासा स्टडी कर रहा है टू प्रैक्टिस द टेस्टिंग मैथड फॉर एग्जामिनिंग द मार्शियन रॉक्स ओके तो आई लोफ रोम लाइक करता है स्कॉटलैंड कंट्री में और नासा की वजह से ही चर्चे में है ओके तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आई होप की आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और पिछला भी हमने काफी कुछ रिवाइज कर लिया है चलिए अब आपकी क्विज़ पे चलते हैं जहाँ पर आपको स्क्रीन पे पांच क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे ये क्वेश्चंस हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर अब आपकी बारी है इनका आंसर लिखने की तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़िए और इसमें से आई एम श्योर आपको सारे आते होंगे जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन में करिए जो आपको नहीं आते कोई बात नहीं अगर आप हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन जरूर आएगा जब आप फाइव आउट ऑफ फाइव स्कोर करेंगे ठीक है तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करा करिए क्विज़ में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट्स इट फॉर टूडे आई होप यू हैव लाइक द सेशन आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कॉमेंट्स में साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ टिल देन स्टे ड्यून्ड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू नॉट फॉरगेट टू सब्ब्राइब टू जी के टुडे विद दिस मीन उज हफ सइनिंग ऑफ